हाईकोर्ट, इन तमाम चीजों पर काम होना है और उसी के आधार पर रैंकिंग मिल रहा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम लगभग जो अन्य सौ शहर है उसमें शुरू करने को लेकर जो है कहा जाता है कि समय शुरू हो चुका है। टॉप 10 में जो कह जा सकते हैं शहर है उसमें रांची है, हमारा पड़ोसी राज्य रांची है, मगर बिहार के 3 जिले पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ, ये 3 जो जिले हैं इनका स्थान जो है, मुजफ्फरपुर का मैं स्थान बता दूं 73वां स्थान और बिहार शरीफ का जो स्थान है 76वां स्थान है, यानी टॉप 10 के आसपास भी नहीं है। और जो स्थिति अभी जो स्मार्ट सिटी को लेकर जो रैंकिंग जो जारी हुई थी, मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2019 में स्मार्ट सिटी को पटना में जो स्थान था वो जो कहा जाता है कि 29वां स्थान था, उसके बाद 30वां स्थान हुआ, अब 31वां स्थान जो है स्मार्ट सिटी पटना को मिला है और ये रैंक एक एक करके नीचे खिसकते जा रहा है। यानी काम को लेकर जो विभाग और जो प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मा मिला है स्मार्ट सिटी पटना को डेवलप करने को लेकर, वहां पर जो काम की गति होनी चाहिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी देरी है और रैंकिंग जो हो रही है उसमें पटना पिछड़ते जा रहा है, तो तेजी से कुछ काम करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए अभियान पटना में अभी जो है काफी विशेष रूप से चलाया जा रहा है, अतिक्रमण हटाओ अभियान, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर, सड़कों को चौड़ीकरण करने के, अतिक्रमण हटाने को लेकर, तो ये तमाम काम किए जा रहे हैं, मगर ये काम अब जो है थोड़े से पिछड़ रहे हैं, थोड़े लेट हुए हैं और नए निर्माण से स्मार्ट सिटी के तहत होना है। उन नए निर्माण में अभी तक पटना में कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं बन पाया है जो स्मार्ट सिटी को लेकर जो योजना के तहत अंतर्गत आता है, तो इन तमाम चीजों को लेकर जो रैंकिंग पटना को जो अब मिल रही है उसमें पटना का स्थान नीचे जा रहा है और ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता की बात है। क्योंकि पहले से हम पटना के जो रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो 21वें स्थान पे अब आ चुका है और टॉप 10 में रांची है, टॉप 3 कर सकते हैं जिसमें रांची है, उसमें जो है पटना को भी जो पहुंचने की जरूरत है, अगर मेहनत अगर अच्छी हो तो कहीं ना कहीं पटना को सफलता मिल सकती है। पर अभी तक जो स्थिति है वो संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, जिस कारण से पटना की रैंकिंग और नीचे जा रही है। चलिए गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो स्मार्ट सिटी की ताजा रैंकिंग में पटना जो है वो फसल गया है, पटना दूसरे स्थान पर, दो स्थान नीचे चला गया है। और पटना से खबर, जो आनंद सिंह को रिमांड पर लेने की अर्जी पर सुनवाई बाद कोर्ट में दोनों ओर से दी गई दलीलें के बाद बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आनंद सिंह के रिमांड पर फैसला कल आएगा। AK-47 मामले में विधायक की गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने विधायक को रिमांड पर लेने की अर्जी दी है, तो सुनवाई पूरी हो गई है और आज फैसला होगा। आनंद सिंह को रिमांड पर लेने की अर्जी पर सुनवाई हुई बाद कोर्ट में दोनों ओर से दलीलें दी गई बहस पूरी होने के कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आनंद सिंह को रिमांड पर लेने को लेकर कल फैसला लिया जाएगा। AK-47 मामले में विधायक की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने विधायक को रिमांड पर लेने की अर्जी दी है। तो खबर दिल्ली से, जहां पीएम नरेंद्र मोदी आज फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। लोगों को सेहतमंद रखने की और जरूर जागरूकता की मुहिम चलाई जाएगी। वहीं खेल दिवस के अवसर पर यह मुहिम चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। लोगों को सेहतमंद रखने और जागरूक करने की मुहिम है। वहीं खेल दिवस के अवसर पर यह मुहिम चलाई जाएगी। तो फिट इंडिया मूवमेंट पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा आज चलाया जाएगा और आज खेल दिवस के अवसर पर यह मुहिम चलाया जाएगा। पटना के गायघाट स्थित पुलिस अभिरक्षा में एक नाबालिग के गर्भवती होने का मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस विभाग में हरकंप मच गया। मामले की जांच करने के लिए कई सीनियर अधिकारी अभिरक्षा गृह पहुंचकर जांच कर रहे हैं। बता दें कि पटना के गायघाट स्थित उत्तर रक्षा गृह यानी रिमांड होम से उपस्थापना के लिए बेतिया आने के क्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ उसी के कथित प्रेमी ने शारीरिक संबंध बनाए और ये मामला तब प्रकाश में आया जब नाबालिग लड़की के गर्भवती होने की बात सामने आई। इस मामले में एक प्राथमिकी बेतिया राजकीय रेल थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस के मुताबिक बेतिया राजकीय रेल थाने में दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा है कि इस वर्ष
तो कहा है कि इस वर्ष 7 जनवरी को उसे रक्षा गृह से पुलिस अभिरक्षा में बेतिया न्यायालय में उपस्थापना के लिए लाया जा रहा था। इसी क्रम में उसके प्रेमी टुन्ना साह ने ट्रेन में पुलिस को 500 रुपए देकर उसके साथ बाथरूम में शारीरिक संबंध बनाया। रक्षा गृह में जब अधिरक्षा के को कुछ शक हुआ तो अब नाबालिग की जांच कराई गई, जिसमें वह 6 महीने की गर्भवती पाई गई। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद रक्षा गृह की अधीक्षिका ने इसकी जानकारी बेतिया अदालत को दी। बेतिया कोर्ट के आदेश पर बेतिया महिला थाना प्रभारी पूनम कुमारी ने लड़की का बयान लिया। लड़की के बयान के आधार पर बेतिया रेल थाने में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो आपको बता दें कि गायघाट अभी रक्षा गृह में पीड़िता रहती है और बेतिया की जो नाबालिग है वो रहने वाली है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो रिमांड होम पर ये बड़ा सवाल उठता है कि किस तरह नाबालिग के साथ इस तरह का घटना होती है और उसके बाद गृह रक्षा में ही उसके साथ ये सब कुछ होता है। वहीं पुलिस महकमे में इस खबर आने के बाद हड़कंप मच गया है। वित्त विभाग अगले साल के बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में उनके सचिवालय स्थित कक्ष में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उन्होंने सरकार की नई पहल, मसलन जलवायु परिवर्तन के लिए किए जा रहे प्रयास, 7 निश्चय की उपलब्धियां, पीएम पैकेज के तहत सड़क पर्यटन जैसे क्षेत्रों में हो रहे कार्य, DBT के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की राशि हस्तांतरण के लाभ, ई गवर्नेंस, बैंकिंग क्षेत्र में वर्षीय साख योजना, वही किसान क्रेडिट कार्ड और मुद्रा लोन के प्रभाव, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास, 1951 के जनसंख्यांकीय विश्लेषण को आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल करने के निर्देश दिए। वही डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि आपको बता दें सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अनेक नए मुद्दे और चुनौतियां सामने आई है जिसका सरकार मुकाबला कर रही है। वही जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच जल जीवन हरियाली, हरित आवरण, बाघों की संख्या में वृद्धि, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की पहल को बताने की जरूरत है। इसी के साथ ही गुड मॉर्निंग पटना में फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए गुड मॉर्निंग रांची। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना, आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत, वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलिशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स, न्यू हाईकोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम, पानी बिजली गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। Sil City, a gift to Ranchi. खबरें जहां सबसे पहले होती है अपलोड, खबरें जहां सबसे पहले होती है अपडेट, ना टीवी का झंझट ना केबल का टेंशन, ब्रेकिंग हो या एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद, न्यू इंडिया का न्यू प्लेटफॉर्म www.kashisnews.com। धर्म, आस्था, विश्वास, समर्पण, विश्व का कण कण शिव में, भक्ति और शक्ति का संगम, पवन सुत हनुमान अंजनी के नाम। अरे कोई नहीं करता आजकल हमारी बात। We'll be right back.
नमस्कार, गुड मॉर्निंग रांची में आपका स्वागत है। मैं हूं तनुप्रिया और मैं हूं उर्वशी। और बजट की शुरुआत जमशेदपुर की खबरों से करेंगे। बता दें, अपहरित युवती का पुलिस ने बरामद किया है। अपने प्रेमी के साथ युवती घूमने निकली थी। सरायकेला के चांडल थाना इलाके से अपहरण हुआ था। 3 घंटे तक चले ड्रामे के बाद जुगसलाई जो लड़की है वो पहुंची और मामले में दोनों